बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली में, कैसे हैं आप? तुसी ठीक हो? फेसबुक वाले तुसी किद्दां? तुसी ठीक हो? आज हम बनाएंगे चिकन भुना मसाला। आप लोगों ने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो करना है, एंड तक ज़रूर देखना है, तभी आपको इस रेसिपी की सही से समझ आएगी। आधा किलो चिकन ले लिया है, इस पर इस तरह कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने का मकसद ये है, हम चिकन को मैरिनेट नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे कि चिकन के अंदर तक जो है वो फ्लेवर आए, यानी चिकन में टेस्ट आए। तो जो चिकन के बड़े पीसीज हैं, बस उनमें आपने हल्के हल्के इस तरह से कट्स लगाने हैं, बाकी सारे पीसीज को कट्स नहीं लगाने हैं। हमने सारी चिकनों को, यानी सारी जो मुर्गी है उसको कट लगा ली हैं। इसको मैरिनेट जो करना, जो टेक्निक है अंदर तक जाने की मसाले की, वो ये है, 1 टीस्पून नमक डाल दिया और 1/4 टीस्पून हमने इसमें हल्दी डाल ली। बस ये दो चीज़ें लगा के आप लोगों ने इसको जो है वो अच्छी तरह जो है वो इस तरह मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेट करके कोई रखना नहीं है, बस नाल ही थोड़ा जहा ये घ्यो डोलो, तो वो 3 से 4 मिनट चिकन फ्राई कर लेना। घी को गर्म होने देना है, गर्म गर्म घी में चिकन को आप लोगों ने फ्राई करना। इससे क्या होगा कि चिकन के अंदर तक जो है वो नमक का जो है वो फ्लेवर चला जाएगा, और जब नमक किसी चीज़ में बराबर का पूरा होगा तो आपकी वो डिश बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। आप देख सकते हैं कि लाड़े पे बड़ा रूप आया है। अब बस ये देते सेरे सूरे लाने हैं। अभी 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करने के बाद बस आप निकाल लोगे इसको ऑयल से बाहर, तो इसी ऑयल में भी आप प्याज डाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम भूल गए थे तो बस हमने ऑयल दूसरा डाला। ये प्याज हैं बड़े साइज़ के, जो फुल प्याज होते हैं ना, उनको हमने ऐसे काट के ना इस तरह मसल लिया है, अलहदा अलहदा कर लिया है। इसकी ये वजह है कि जब आप चिकन इसको की कहते हैं इन्हों एक गंडिया तुसी फ्राई करोगे ना, तो वो बहुत अच्छे से जो है ना उनका कलर आएगा और वो बड़े अच्छे से मसाला बनाएंगे। अभी इसमें आधा कप हमने ऑयल डाला, 250 ml जो है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है ml की, तो उसका आधा कप है। 3 से 4 लौंग है, 3 से 4 हरी इलायची हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1 मोटी जो है ना वो मिर्च काली जो है वो डाल के अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। और 1 स्टिक जो है वो उसकी दालचीनी की है, 1 इंच की होगी। इसमें थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद ना अब प्याज को हम इसमें डाल देंगे। प्याज डाल के हमने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। आप देखते जाओ कि इसको किस कदर भूनना है, तो ही हमारा जो भुना चिकन है वो बिल्कुल इस तरह का उसका फ्लेवर होगा जैसे रेस्टोरेंट में आप खा के आते हो, सेम वही फ्लेवर आएगा अगर आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करोगे, क्योंकि हमने हर चीज़ को इसमें डाल के अच्छे से भूनना है। ये देखिए हमारा प्याज इस कलर का हो गया है। इस तरह का आप लोगों ने डार्क जो सुनहरी है, हल्का सा ब्राउन है, वो कलर करना है। अभी हमने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का, उसको पानी डाल के हमने इस तरह जो है वो मिक्स कर लिया है, वो इसमें डालेंगे। वो इसलिए हमने ऐसे किया है कि जब आप प्याज में इस तरह लहसुन अदरक में पानी डाल के डालते हो तो वो जो प्याज की कुकिंग है वो रुक जाएगी और प्याज गलना शुरू हो जाएगा, यानी वो पानी प्रोड्यूस करेगा, पानी निकलेगा उसमें से, तो वो इस प्याज को अच्छे से गला देगा। अभी डाल देंगे थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हम चिकन जो हमने फ्राई किया था, तो वो डाल के हम इसके अंदर हम भूनेंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स साथ साथ डालेंगे। चिकन को 3 से 4 मिनट इस तरह भूनना है प्याज में। फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, 1/2 टीस्पून पिसी मिर्च और 1/4 टीस्पून हम डालेंगे कुटी मिर्च, और 1/2 टीस्पून आप यहाँ पर या तो डालें चिकन पाउडर, हमने यहाँ पे चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, और 1/2 टीस्पून नमक। चाइनीज़ सॉल्ट या चिकन पाउडर डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आपके चिकन में आएगा, जो होटलों में डालते हैं ना सेपरेट से, वो इसी तरह इन्हेंस हो जाता है चिकन का फ्लेवर। अब ये हमने 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के लेके इसकी प्यूरी बना ली थी, पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया था, वो डाल देंगे। बस इसमें आप लोगों ने अच्छी तरह चिकन को भूनना है। ये भूनते भूनते ही आपका जितना प्याज ब्राउन हुआ था ना, वो सारा जो है वो मसाले की सूरत में हो जाएगा। कोई आपको प्याज को ब्लेंड करके सेपरेट डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी किस्म के तुसी इहदे विच जगाड़ नहीं लाने। क्योंकि ये चिकन भुना है रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह, इहदे विच जगाड़ नहीं लगना, तो आपको ये रेसिपी इसी तरह फॉलो करनी पड़नी और बनानी पड़नी है। अभी इसमें हमने दही डाल दिया है, दही ही डालिएगा। दही एक तो फैट रिड्यूस करेगा,
और एक आप लोग कोई क्रीम कोई मक्खन डालने की ज़रूरत एक्स्ट्रा नहीं होगी। ये इसी से ही आपका चिकन बड़ा मज़े का बनेगा। दो हरी मिर्चें हमने डाली छोटी छोटी बारीक काट के, इन सारी चीज़ों को डाल के आपने चिकन को बहुत अच्छे से भूनना है। तकरीबन हमारा 70% चिकन जो है ना वो इधर ही भूनते भूनते ही कुक हो जाएगा। आप देखो खुद भी सोच सकते हो कि एक एक चीज़ को डाल के हमने भूना है, हर चीज़ हर एलिमेंट को डालने से भूनने से उसका फ्लेवर तो निकल के आएगा ना। और वैसे भी ज़िंदगी में जिन्ना तुहानू रगड़ा लगू उन्ना ताड़ा तजर्बा ज़्यादा होगा। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपको एक अच्छी चीज़ सिखा जाते हैं। अच्छे लोग भी हो सकते हैं, बुरे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ अच्छा सिखा जाते हैं, आप सीख जाते हो। हमने 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाला थोड़ा सा भूनने के बाद। अब हम इसमें डोल देंगे 1 कप पानी, 250 ml का है पानी। पानी मैं तुम 250 ml तक दस दियाँ कि मेरे ना बड़ा प्रॉब्लम सी कि ज़बैदा आप दसते सके 1 कप पानी पा लो। हूँ 1 कप 250 ml का भी है और 1 कप जड़ा वा वो 350 का भी है, तो एक कप 300 का, 1 कप 2 का, बस पता नहीं केड़े केड़े कप बनाए हुए। तो इसलिए मुझे पता नहीं लगता था, तो मैं बड़ी परेशान सी होती थी कि हाय अल्लाह केड़ा कप पाई असी चलो ये हमने थोड़ा ढाम के रखा 10 मिनट के लिए। तो हमारा ये चिकन भुना मसाला रेडी हो गया होटलों के जैसा, और ऊपर हमने धनिया डाल दिया है। फ्रेश डालें तो क्या ही बात है। अभी हम इसको तोड़ के भी दिखाएंगे, यकीन करें इसके अंदर तक फ्लेवर आया जो हमने मैरिनेशन की। बड़ी सिंपल सी, कोई तानू ज़्यादा मसाले लगाने की ज़रूरत नहीं, इसी तरह मैरिनेट करके सिंपल मसालों से इसे रखें और इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसको भून के बनाएं। आपका ये सालन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप लोग इसके साथ खाना खाइए, इसे शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।